हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेक माय चैनल। सबसे पहले आप रेफरेंस चेक करें, बिलाल अब्बास फ्रॉम इश्क मुर्शिद। वाओ, क्या बेहतरीन एक्टिंग की है जिन्होंने। तो उनसे मैंने इंस्पायर होकर आज मैंने उनका पोर्ट्रेट क्रिएट किया है, आउटलाइन क्रिएट किए है। प्रॉपर फेस को किस तरीके से बनाया जाता है, उनकी आउटलाइन किस तरीके से बनाई जाती है, वो क्रिएट करेंगे। तो हम जो है सबसे पहले इसको ग्रिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। आज इस पार्ट में हम ग्रिड मेथड के अंदर एक प्रॉपर 100% एक्यूरेट फेस की आउटलाइन बनाना सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल इजी वे में। क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे वो सारी बातें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम ग्रिड गिन लेते हैं कि मोबाइल के अंदर कितने ग्रिड हैं। यहाँ पर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इस तरीके से। अब करेंगे क्या कि जितने मोबाइल के अंदर हॉरिजेंटल वर्टिकल जितने बॉक्सेस बने हुए हैं उतने ही पेपर के ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ पर पेपर क्वालिटी की बात करें तो पेपर जो है कार्ट्रिज का बहुत ही ज़्यादा सस्ते वाला पेपर है वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। एंड अब मैंने ले लिए एक स्केल एंड कोई भी लाइट ग्रीन की पेंसिल, HB भी चल सकती है। तो यहाँ पर मैं जो यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल का। अब करना क्या है आपको, कैलकुलेट करना है कि एक बॉक्स जो है कितने सेंटीमीटर का बन रहा है। यहाँ पर अब कैलकुलेट करने के बाद एक बॉक्स जो फ्रेंड्स बन रहा है वो बन रहा है 2.5 सेंटीमीटर का। आपको फोर साइड जो है इस तरीके से निशान लगाना है पेपर के ऊपर। तो सबसे पहले देखें, अगर कोई फ्रेंड्स मेरे साथ ये पोर्ट्रेट बना सकता है तो वो बना सकता है। इस पोर्ट्रेट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मेरे साथ बना सकते हैं आप डाउनलोड करके उस पोर्ट्रेट को। फाइनली यहाँ पर हमने 0.4 साइड लगा लिया है। अब करना क्या है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से विथ हेल्प ऑफ स्केल मिलाते जाना। तो ग्रिड बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। इस वीडियो को देखें कंप्लीट, लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड जो जो फ्रेंड्स चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस करना। अब करना क्या है, पॉइंट टू पॉइंट आपको इस तरीके से विथ हेल्प ऑफ स्केल मिलाते जाना है। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको मिलाना है। अब यहाँ पर मैंने ग्रिड बना लिए हैं। अब स्केल का यहाँ पर जो है काम खत्म हो जाता है, उसको साइड में कर लेता हूँ, फिनिश हो जाता है। तो जितने मोबाइल के अंदर बॉक्सेस थे उतने ही हमने यहाँ पर ग्रिड बनाए हैं पेपर के ऊपर। पेपर जो है A4 साइज का पेपर है, कार्ट्रिज का, बहुत ही ज़्यादा सस्ते वाला है। तो यहाँ पर जो है हिल रहा है पेपर, तो इसकी स्टिच करने के लिए यहाँ पर मैं पेपर टेप खास सॉरी यूज़ कर रहा हूँ। इसको पेपर टेप भी हमने लगा लिया। अब फाइनली बात आती है आउटलाइन की। तो उसके लिए यहाँ पर आप कोई भी पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। लाइट ग्रेड की पेंसिल आपको यूज़ करनी है, याद रखना। HP आप पेंसिल को यूज़ कर सकते हैं। तो अब रेफरेंस को चेक करना। अब बारी आती है ध्यान देने वाली बात की। तो अब करेंगे क्या, अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं जो है राइट साइड वाली आई से स्टार्टअप करूँगा सबसे पहले। अब आई जो है कहाँ पर आ रही है ऑब्जर्व करना। यहाँ पर गिनेंगे, यहाँ पर भी गिनेंगे 1 2 3 4 5 1 2 एंड 3 यहाँ पर आ रही है हमारी ये वाली आई। तो पेपर के ऊपर भी गिनेंगे 1, यहाँ पर 1 कहाँ पर आ रही है, ठीक है, यहाँ से स्टार्टअप 1 2 3 4 5 1 2 एंड 3 यहाँ पर हमारी आई आ रही है। यहाँ पर कौन सी वाली, ये वाली आई जो है यहाँ पर आ रही है। तो आपको भी कैलकुलेट करके बनाते जाना है कि कौन सा पार्ट, नोज, लिप्स कहाँ पर आ रहे हैं। तो इस तरीके से मेरे साथ साथ बनाते जाइए तो ग्रिड मेथड के अंदर आउटलाइन बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखना, और भी ज़्यादा ईजी करके आपके साथ वो बातें शेयर करूँगा। आगे जो मैंने वीडियो को जो है टाइम लेप्स रखा है ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। जहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो पॉइंट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, अदरवाइज वीडियो टाइम लेप्स है। एंजॉय करें और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। एक इंपॉर्टेंट बात कहना तो मैं भूल ही जाता हूँ हर मरतबा कि जो जो फ्रेंड्स चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को या सब्सक्राइब करें या साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड ईजी वे में आपके साथ वो नोटिफिकेशन आती रहे। तो सब्सक्राइब करना तो यहाँ पर बनता है, सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। पर हमने फर्स्ट आई क्रिएट कर ली है, अब आ रही थी सेकंड आई की। तो सेकंड आई यहाँ पर आ रही है, देखें कौन सी, ये वाली आई देखो यहाँ पर आ रही है। तो इस तरीके से ऑब्जर्व करते जाएं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, आपकी जो है एक एक्यूरेट 100% आउटलाइन बनकर रेडी हो जाएगी विथ इजी वे में।
अब ध्यान देखिए यहाँ पर देखें कि लिप्स कहाँ पर आ रहे हैं, ध्यान देखिए देखें लिप्स यहाँ पर आ रहे हैं इस बॉक्स के अंदर। तो जहाँ पर जो पार्ट आ रहा है मैं सेम टू सेम वही यहाँ पर अप्लाई करके ड्रा करता जाऊँ, सिंपल बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आप भी मेरे साथ इस तरीके से बनाते जाएँ। बना लिए हैं, नोस बना लिया, लिप्स बना लिए हैं। अब यहाँ पर जो है फेस का प्रॉपर एक बैकग्राउंड होता है तो वो क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें, ध्यान देखें, तो यहाँ पर पेशेंस के साथ आपको काम करना है, टाइम लगेगा 1-2 घंटे लेकर अच्छे तरीके से आपको काम करना है ऑब्जर्वेशन के साथ। अगर आपको जो है आइज नोस ये बनाना नहीं आता, जो बिल्कुल ही बिगनर है मेरा दोस्त, तो उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाल रखे हैं कि रेगुलर बेस के ऊपर किस तरीके से प्रैक्टिस की जाए, किस तरीके से नोज आईज किस तरीके से बनाया जाता है, डेली बेसिस के ऊपर किस तरीके से प्रैक्टिस की जाए, उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं उस वीडियोस को भी। अब यहाँ पर मैं आईब्रोज के स्ट्रोक भी लगाते जा रहा हूँ ताकि सेकेंड जो पार्ट आएगा वो फेस शेडिंग के ऊपर होगा, तो उसमें हमें आसानी हो। एंड फ्रेंड्स, हम जो है धीरे धीरे रिजल्ट की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंड कोई भी अगर आपको डिफ़िकल्टी लगी हो या मैंने कोई अच्छे तरीके से आपके साथ वो बातें शेयर नहीं की हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँ उसमें और भी ज़्यादा अच्छे से आपके साथ वो सारी बातें शेयर कर सकूँ ईजी वे में। फाइनली हमने फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सर बिलाल अब्बास जी की जो है फेस की आउटलाइन क्रिएट कर ली है, मुकम्मल कर ली है। तो जल्द ही हम नेक्स्ट पार्ट को लेके आएंगे फेस शेडिंग के ऊपर, प्रॉपर फेस को रियलिस्टिक किस तरीके से शेड किया जाता है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।